एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है सावन का पहला सोमवार, आज मेरा फास्ट भी है और आज मैं मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैंने जस्ट नहाया है, मंदिर हम जाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं किचन में क्योंकि राज ऑफिस जाएंगे तो उनका लंच एंड ब्रेकफास्ट हमें बनाना है। उसके बाद जो कुछ भी होगा आपके साथ इस ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तो अभी चलते हैं सबसे पहले किचन में। तो इनके लंच के लिए मैंने बनाई है भिंडी की सिंपल सी सब्जी, सिर्फ मैंने इसमें प्याज डाला है और बेसिक से मसाले डाला है। नाश्ते के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है पोहा और यहाँ पे मैंने आटा भी लगा के रख दिया है मंदिर से आके, फिर बाद में मैं चपाती सेक दूँगी। पूजा की थाली भी मैंने तैयार कर ली है, तो चलिए अब मंदिर चलते हैं। सो गाइस, मंदिर से मैं आ गई हूँ। मैं सुबह मंदिर जल्दी इसलिए गई थी कि मुझे वहाँ भीड़ ना मिले, अच्छे से शांति से आराम से पूजा करूँ। बट आज सुबह ही मंदिर में इतनी भीड़ थी कि इतनी जल्दी जल्दी पूजा करनी पड़ी, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते तो फटाफट पूजा करनी पड़ती है। तो बस वही वाली पूजा आज हुई है। तो अभी बस मैं घर आ गई हूँ, राज ऑफिस जा चुके हैं तो उनकी चपाती भी मैंने बना दी थी। तो अभी पूरा किचन वैसे ही फैला हुआ है, वो समेटना है। रूम भी पूरा गंदा हुआ है, वो समेटना है। तो बस बाकी काम कर लेते हैं। किचन का काम पूरा हो गया और अभी मैं आ गई हूँ रूम में, तो रूम का अब काम कर लेते हैं। काम काम काम, सुबह तो इतना काम होता ही है डेली। तो अभी मैं सोच रही हूँ बेडशीट को काफ़ी टाइम हो गया, इसको मैं चेंज कर दूँ। तो अभी ये करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो अभी मैं अपने लिए और मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। आज सुबह से चाय नहीं पी है तो अभी मन कर रहा है, तो मैं बस वही बना रही हूँ। सो गाइस, काम वगैरह सब कुछ हो चुका है। अभी मेरे पास करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने थोड़े से फ्रूट्स भी खाए हैं क्योंकि मुझे माइग्रेन की दिक्कत है, तो खाली पेट ज़्यादा सर में दर्द होता है, फिर फालतू में दवाई खानी पड़े, इसलिए मैंने फ्रूट्स खाए हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इंस्टाग्राम के लिए कुछ रील्स बना लेती हूँ। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, काफ़ी सारे रील्स फोटोज़ में वहाँ पर पोस्ट करती रहती हूँ। तो अभी बज गए हैं शाम के 6 और मैं फिर से चाय बना रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो गया है चाय पीने का। और वहाँ पर मैंने जीरा भून लिया है, इसको बाद में मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। और क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो डिनर में आज बनेगी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, क्योंकि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनानी है तो मुझे फिर आलू की सब्ज़ी और पूड़ी अच्छे लगते हैं। तो आज यही हमारा डिनर होगा। मैं आ गई हूँ अब किचन में और कर लेते हैं रात के भोजन की तैयारी। आलू मैंने उबाल दिए हैं तो फटाफट से बनाते हैं सब्जी, क्योंकि अब मुझे भी थोड़ी सी भूख लगने लग गई है। तो चलिए बनाते हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बिना लहसुन प्याज के भी आलू की सब्जी कितनी टेस्टी बनती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो जो जीरा मैंने भुना था उसे मैंने पीस लिया और वही मैं डब्बे में भर रही हूँ। कई सारी सब्जियाँ ऐसी होती जिनमें भुना हुआ जीरा अच्छा लगता तो मैं हमेशा पीस के रखती हूँ। तो अब सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, ये जो सलाद वाले टमाटर होते हैं वो वाले हैं, खट्टे वाले टमाटर मैंने नहीं लिए हैं। और यहाँ पे आप ये जो इतनी सारी मिर्ची देख रहे हैं कि सारी मैं नहीं डालने वाली हूँ, इनमें से कुछ मम्मी ने बाद में फ्राई कर दी थी। इसमें मैंने 2 तीखी वाली मिर्ची ली है और 2 जो तीखी नहीं होती वो मिर्ची मैंने ऐड करी है। यहाँ पे मैंने 2 साबुत लाल मिर्च लिए जिसे मैंने बीच में से तोड़ लिया है, 2 तेज़पत्ता लिया है, साबुत धनिया लिया है और तेल मैंने यहाँ पे गरम करने के लिए रख दिया है। ये जो मसाले हैं ना, इनका सब्ज़ी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे जीरा और हींग। हींग इस सब्ज़ी में ज़रूर आप ऐड कीजिएगा, हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आलू की सब्ज़ी में। और अब हम जो साबुत मसाले मैंने आपको बताए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। इनको हमें हल्का सा भूनना है, ऑयल में इनका फ्लेवर आ जाए तब तक हमें इन्हें भूनना है। और यहाँ पे ये ऑफिस से आ गए थे तो इनके लिए मैंने यहाँ पे मैगी बनाई क्योंकि इन्हें भूख लग रही है, खाना बनने में अभी टाइम है।
तो अब हम इसमें जो हमने टमाटर, मिर्च और अदरक, अदरक मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने अदरक भी डाला था उसको जो मिक्सी में पीसा था, वो अब इस ऑयल में ऐड कर देंगे हम। तो हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो टमाटर मैंने डाले हैं, तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, जिससे कि जो टमाटर है वो अच्छे से जल्दी गल जाए। तो अभी हम एक और मसाला तैयार कर लेते हैं, और उसकी क्लिप पता नहीं मेरे फ़ोन से कैसे डिलीट हो गई, तो मैं अभी आपको फटाफट बता देती हूँ। मैंने एक कटोरी में 2 से 3 चम्मच दही ली थी, खट्टे वाली दही मैंने नहीं ली है। उसमें मैंने लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी डाल दिया है, और अभी मैं उसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी आप देखो टमाटर हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हमने जो दही वाला मसाला बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो इसे भी हमें अच्छे से भूनना है। अभी आप ये कलर देख लो, जब ये मसाला पूरा भुन जाएगा तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सारा खेल मसालों का ही होता है, जितना अच्छा मसाला भुनता है सब्जी हमारी उतनी टेस्टी बनती है। तो अभी देखिए कलर इसका चेंज होने लग गया है, हमें इसे और अभी भूनना है। तो जब तक ये मसाला भून रहा है तब तक पूड़ी के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैंने डाली है अजवाइन, जो कि हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, और इसमें मैंने ऐड किया है लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें डाली है, और अब मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं, और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ घी, ये घी मैंने फ्रिज से निकाला है इसलिए ऐसा जम गया है चम्मच इसमें। मसाला हमारे अच्छे से भुन चुका है, तो अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद हमें आलू को मसालों के साथ कम से कम 1 से 2 मिनट तक भूनना है। तो 2 मिनट हो गए हैं, अगर आपको सूखी खानी है सब्जी तो सब्जी बिल्कुल तैयार है, बट क्योंकि मुझे सब्जी पूड़ी के साथ खानी है तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड किया है। पानी मैंने ज़्यादा इसलिए ऐड किया है क्योंकि मुझे ये खाना भी थोड़ा लेट खाना है, और आलू जो है वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए मैंने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी सब्जी में उबाल आ गया है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाला। सो अब इसमें लगा देते हैं ढक्कन, और 10 मिनट तक मैं इसे स्लो फ्लेम पे पकने दूंगी। और अब भी लगा लेते हैं पूड़ी के लिए आटा। तो यहाँ पे मैं अभी पूड़ियाँ बेल बेल कर रख रही हूँ ताकि जब मैं फ्राई करूँ तो मुझे आसानी हो फ्राई करने में, ज़्यादा पूड़ियाँ बेली रहेंगी तो फिर जल्दी जल्दी पूड़ी फ्राई हो जाएंगी। डिनर हमारा लग चुका है। डिनर में है सलाद, बूंदी वाली छाछ, यहाँ पे मम्मी ने मिर्ची भी फ्राई कर दी है, और देखो सब्जी अब हमारी ना बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। आलू ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती भी ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने गाय के लिए भी खाना निकाल दिया है, और साइड में है गर्मा गर्म पूड़ी। तो फटाफट से अब अपना डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि जब सारा दिन आप खाना नहीं खाओ, एकदम से खाना खाते हैं तो फिर थोड़ी सी बेचैनी हो जाती है, तो मैं इसलिए वॉक करने के लिए नीचे आ गई हूँ। एंड आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड भी कर लेते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एंड जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।